नमस्कार, मैं हूं यास्मी। कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना के बीच बीएमसी ने मुंबई में कंगना के ऑफिस को अवैध निर्माण को लेकर तोड़फोड़ की। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ बॉलीवुड के कई स्टार्स जैसे दिया मिर्जा, रेणुका शाहनी, अनुपम खेर और सोनू निगम कंगना का सपोर्ट कर शिवसेना को लताड़ लगा रहे हैं, वहीं अब लीजिए टीवी स्टार्स भी कंगना का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दिव्यंका त्रिपाठी दहिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जहां से मैं देख रही हूं बस हमले हो रहे हैं औरत जात पर। रिया कंगना या भारत माँ, कंधे किसी के, बंदूक किसी की, इंसाफ की लड़ाई में घायल होती औरतें ही क्यों दिख रही हैं मुझे। वहीं बिग बॉस फेम हिमांशी खुराना ने लिखा है, मुंबई में क्या चल रहा है, बीएमसी को कम से कम इंतजार करना चाहिए, जहां लोकतंत्र है ये गलत है, किसी के सपनों के घर कार्यालय को ध्वस्त करना। इसके अलावा रश्मि देसाई ने लिखा, सत्ता से लेकर राजनीति तक, ड्रग्स तक, न्याय के लिए लड़ाई निश्चित रूप से बहुत बदसूरत हो गई। कुआं, ये ड्रामा अगले स्तर पर है, जिसमें पूरी तरह से अनुशासन और नियमों का अभाव है और आनी बाकी है। वही टीवी की फेमस गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य जी ने लिखा है, गुंडा राज मूवी आज किसी ने देखी है क्या, शर्मनाक, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखा आपने, टीवी के जाने माने स्टार्स भी कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं और कंगना के घर टूटने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दे चले कि 8 सितंबर को ही बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस चिपकाया था। नोटिस में कहा गया था कि ऑफिस के निर्माण में उल्लंघन किए गए। बीएमसी इस बारे में 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब चाहती थी, लेकिन कंगना की तरफ से जवाब नहीं आया था, जिसके बाद बीएमसी ने बीते दिन दफ्तर पर तोड़फोड़ कर दी। यही वजह है कि बीएमसी की इस कार्रवाई की काफी आलोचना की जा रही है।